महाराष्ट्र में चुनाव की आहट होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बयान से सबको हिला दिया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने एनडीए सरकार को लेकर काफी बड़ा इल्जाम लगा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे ने खुलासा किया है कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। सीएम शिंदे ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, गिरीश महाजन और प्रवीण दारेकर को झूठे मामलों में गिरफ्तार करने की साजिश थी। इतना ही नहीं, 2024 चुनाव से पहले कुछ बीजेपी विधायकों को तोड़ने की भी योजना थी। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि एमवीए सरकार में मेरे साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया गया। मेरे अकाउंट में आदित्य ठाकरे का काफी दखल था। इसने मुझे किनारे रखकर राज्यसभा उम्मीदवार चयन में गड़बड़ी पैदा कर दी। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने मुझे हमेशा विफल किया। मेरे शहरी विकास खाते के दौरान मुझे कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत नहीं दी गई। इसमें हमेशा से ठाकरे परिवार का हस्तक्षेप रहा है। सीएम शिंदे ने आगे ये भी आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे हमेशा दखल दे रहे थे। वो नगर विकास, एमएमआरडीए, सिडको और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की बैठकों में भाग लेते थे। शिवसेना छोड़ने से पहले ठाकरे की योजना मुझसे शहरी विकास खाता छीनने की थी। वहीं सीएम पद के ऑफर के बारे में एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने सूरत जाते समय वसई में एक चाय की दुकान से उद्धव ठाकरे को फोन किया। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुझे मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन मैंने कहा कि समय गुजर चुका है। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को फोन किया और कहा कि हम फिर से एकजुट होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात से इनकार किया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत ठाकरे ने उनसे कहा था कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बाद में शरद पवार ने मुझे बताया कि ठाकरे के लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश की थी। उन्होंने शरद पवार से उद्धव ठाकरे का नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया था।